आपको बता दें कि अठवा लाइन्स पुलिस द्वारा बड़ी ही सराहनीय कामगिरी की शुरुआत करने की मुहिम छेड़ी गई है। आने वाले दिनों में शहर में शांति और सलामती बनी रहे और कोई भी अनिच्छीय घटना ना बने तथा शहर में कायदा और व्यवस्था बनी रहे, इस मकसद से सूरत के अठवा लाइन्स पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी, ई डिवीज़न पुलिस टीम और ACP साहब की अध्यक्षता में उनके मार्गदर्शन से ये फूड पेट्रोलिंग का आगाज किया गया। पुलिस द्वारा ये पैदल फ्लैग मार्च सूरत के अठवा लाइन्स विस्तार में शामिल अलग अलग एरिया जैसे कि अठवा पुलिस थाने से शुरू होकर पुलिस पेट्रोलिंग चौक बाज़ार, नानपुरा, खंडेरावपुरा, रुद्रपुरा, नवसारी बाज़ार, संग्रामपुरा, मोमनावाड़, ऐसे तमाम अठवा लाइन्स विस्तार के सभी एरियों में जाकर फ्लैग मार्च किया और शहर में कायदे और व्यवस्था बनी रहे उसका संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत, 24 न्यूज, सूरत। का आयोजन किया गया अठवा पुलिस स्टेशन ना पुलिस स्टाफ द्वारा अने एने साथे साथे ई डिविजन ना विविध पुलिस स्टेशन ना पुलिस स्टाफ द्वारा आज अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार ना विविध जगह पर जे सतत फूड पेट्रोलिंग चालू है ए रीते आज फूड पेट्रोलिंग गोठवामां आव्यु छे। अने आ फूड पेट्रोलिंग जे मेन उद्देश्य छे एमां कायदो व्यवस्था जळवाई रहे अने बीजो कोई अनबनाव नहीं बने आ उद्देश्यना भागरूपे जे छे आज ACP ई डिविजन साथे अने प्लस जे विविध पुलिस स्टाफ छे ए बधाने साथे राखीने आज अठवा पुलिस स्टेशनना विविध एरिया जे छे એને કવર કરવા આજે ફૂડ પેટ્રોલિંગ અને એને સાથે સાથે જે અમારા વ્હીકલ્સ પણ છે એને પણ સાથે રાખીને આજે પેટ્રોલિંગ ગોઠવવામાં આવ્યો છે। શાંતિ સલામતી ઓર કાયદે વ્યવસ્થા કો લેકર અમારી ચેનલ કે માધ્યમથી દર્શકો કો આપ કોઈ સંદેશ દેના ચાહો? શાંતિ સલામતી જે છે લોકોને એક અમારા પોલીસ તરફથી બધાને સૂચન છે કે કોઈ ગેર બનાવે અફવા હોય એને ઉપર કોઈ લોકો ધ્યાન નહીં આપે અને કોઈ પણ વસ્તુ અગર લોકોના આમજનના ધ્યાનમાં કોઈ આવે કે જ્યાં કોઈ વસ્તુ બની શકે એ તાત્કાલિક જે છે અમારે પોલીસના ધ્યાન ઉપર નાખે તાકી આમાં વ્યવસ્થિત કાયદોસર પગલાં લઈને એમાં કાર્યવાહી કરી શકાય।